नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं तमाम खबरों की ओर। मिठाई के गोदाम में लगी भीषण आग। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना कर्नलगंज अंतर्गत जहां नेतराम मूलचंद एंड सन्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छानबीन करने के बाद पता चला कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। जानमाल की कोई हानि नहीं हुई है। देखिए प्रयागराज से विशाल श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। आग के विषय में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, मगर इसकी जांच की जा रही है। अब थोड़ा आग बुझा लें तो इसकी जांच हो कि कैसे किस तरीके से लगी, मगर इन लोगों के बताने के अनुसार जो घर में रहने वाले हैं कि विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगी। किसी जान माल की नहीं, जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। इनका रॉ मटेरियल है, उसमें पड़ा हुआ था और कागज के गत्ते उत्ते थे जिसमें ये पैकिंग वगैरह करते हैं, वही थोड़ा नुकसान हुआ है और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। रिहायशी इलाके में ये तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, रिहायशी इलाके में नहीं होना चाहिए। अब ये खुद स्वयं समझदार हैं, इनको जो है अब यहाँ से यहाँ अपना कारखाना जो है नहीं रखना चाहिए। मगर जो गत्ता गत्ती है और ये सब तीन टापर है, ये इतना इसमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको जो है कहीं दूर ही रखना चाहिए थोड़ा सा, मगर इस रिहायशी इलाके में इसको नहीं रहना चाहिए, ये तो निश्चित है। सर, परिचय आपका। किसान ने सुनाया अपना हाल। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के गांव पुरदलपुर में हमारी फास्ट न्यूज इंडिया की टीम जीरो ग्राउंड पर किसानों से उनका हाल जाना। किसान ने बताया कि हम फसल में लागत लगाते हैं लेकिन कुछ नहीं बचता। सरकार दावे कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान ने बताया कि धान में एक बीघा में 4000 की लागत आई लेकिन पैदावार बहुत कम हुई है। देखिए इस्लामनगर से नितिन कुमार की यह रिपोर्ट। आपने जो फसल उगाई है जी, तो इसमें औसतन कितनी लागत आई होगी बीघे के हिसाब से? औसतन बीघे के हिसाब से आ गई 1400 रुपए की लागत। अब बाजरा भी किस रेट बिकेगा ये आपका? बाजरा बिक जाओ 1200-1150। हाँ, नीचे गिर सका तो बाजरा भी और उठेंगे तो कितनी बचत हो जाएगी आपको? जाओ कुछ ना, मजदूरी हाथ ना आवे भाई। अच्छा, सरकार के कार्य से आप कितने खुश हैं? क्या सरकार से खुश हैं आप? क्या और तो सब कार्य तो खुश है सरकार के साहब, ये दो तीन काम खराब है सरकार के, तो ये गायों को पूरा तूफान कर रहा हुआ, एक एक गाय छूटी फिर रही है, लोग ने कुछ व्यवस्था है कुछ ना है। और दूसरे खेती में सरकार कहती है दूनी आय कराई जा रही है, दूनी का खेती का कौन सी आय बढ़ रही है? हरा अनाज मद्दा है किसान का। अच्छा, हाँ जी। और क्या है? अच्छा, राशन कार्ड है आपके पास? हाँ, राशन कार्ड है। राशन पूरा मिल रहा है? राशन मिलता है। कितना मिलता? 5 किलो यूनिट। अच्छा, तो अभी तो सरकार चने भी दे रही है? हाँ, चना मिल रहा है 1 किलो। तो कितना चना मिला इस महीने? 1 किलो, 1 kg। अच्छा, 1 किलो चना, लेकिन सरकार की ओर से इस महीने 2 किलो चना बटने का प्रावधान था? नहीं, एक केजी मिला है हमारे यहाँ सर। अच्छा, सबको यही चल रहा है बहुत दिन से। अच्छा, 1-1 किलो वाला इस बार भी 1 किलो ही मिला है जी। तो यहाँ पे आपके डीलर कौन है? डीलर है दीपेंद्र शर्मा। कब से हैं वो डीलर? वो लगभग हो गए भाई तो 10-12-14 साल। गांव का नाम कौन सा है? अग्रास। अच्छा, अभी जो सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि मिल रही है जी, मिली आपको? हाँ जी। ना, हमें क्यों मिला ही? हमारा नाम जमीन है। अच्छा, आपके नाम जमीन ना, है? पापा नाम है। नाम ना, है? ना, ना, हम दोनों भाई हैं, पापा नाम। अच्छा, तो पापा को मिल रही है? मिली। कितना मिला है? 2000 रुपये। अच्छा, और जो अभी जनधन खातों में महिलाओं के लिए जो पैसा आया था 500 रुपये महीने, मिला आपको? हमारे खाता, हमारे किसी का खाता नहीं है घर में महिला के लिए? ना, हमारे लिए आया, हमारी पत्नी। जिला अध्यक्ष नियुक्त होने पर कविता चौधरी का हुआ स्वागत। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के नागदा थाना अंतर्गत योगी सेना संगठन में निरंतर कार्यरत श्रीमती कविता चौधरी को अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय हरियाणा द्वारा पदोन्नति प्रदान कर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे नागदा नगर की महिलाओं में खुशी की लहर है। इस अवसर पर क्षत्रिय राजपूत समाज जिलाध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह तनवर के नेतृत्व में महिलाओं एवं पुरुषों ने श्रीमती चौधरी का पुष्पमाला पहनाकर एवं मां भारती का स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर ठाकुर लक्ष्मण सिंह रेखावत, गोपाल प्रधान, दीपक चौधरी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह डोडिया, दिनेश जाट, दीप्ति चौधरी, रेखा प्रजापत, पायल प्रजापत, आरती चौहान, पायल सक्सेना, डीके चौधरी आदि समाजजन मौजूद रहे। देखिए उज्जैन से सुधीर बैरागी की यह रिपोर्ट।
जनता में रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा और वो काफ़ी नारी इससे जुड़े भी गए तो महिला के लिए शक्ति भी होगी और सब कुछ मिलेगा। जैसे अभी वो फूल सिंह जी बरैया, उन्होंने हिंदू संगठन के लिए इतना कुछ गलत बोला और योगी सेना और हिंदू संगठन वालों ने आज उनको कल खूब पीटा भी सही। तो हम ये चाहता हूँ कि अच्छी शक्ति मिले और मैं क्षत्रिय महासभा की और पूरा टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे मातृशक्ति से प्रणाम और कविता योगी सेना में चिन्हित हुआ इसलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भी आपके हमेशा आपके साथ में खड़ी है और वास्तविक में आवश्यकता है सभी संगठन मिल के हिंदू तत्व के बारे में वास्तव में बहुत ही गलत हो रहा है इसलिए सबको हम मिल के वास्तविक में उन लोगों के साथ में जैसे कि अभी आपने बताया फूल सिंह बरैया ने उन बताया इसके बारे में सब संगठन में मिल के इसका वास्तविक में विरोध करना चाहिए और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैडम संगठन के क्या विचार और संगठन किस उद्देश्य से बना हुआ आज आपको जिला अध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जय श्री राम सभी वरिष्ठ जन सभी पदाधिकारी और सभी संगठन के सदस्य और सभी महिला शक्ति को क्योंकि संगठन का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं जो जुल्म होते हैं हमारी बहन बेटियां जो हैं उन पे कई बार ऐसा होता है कि वो घर पे भी नहीं बता सकती है किसी कारणवश और बाहर उन पे कुछ ना कुछ जुल्म होते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा संगठन ये चाहता है कि हमारी महिलाओं को सपोर्ट मिले और उनको सहयोग मिले और जो कहीं नहीं बता सकती और कहीं प्रताड़ित है तो उनके लिए हम आवाज़ उठा सके संगठन के माध्यम से। यही हमारा उद्देश्य संगठन से जुड़ने का और हम पहले भी सोशल वर्क करते आए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे हमारे संगठन के माध्यम से सहयोग करते रहेंगे। माताओं को बहनों को कहीं भी कोई जुल्म में अत्याचार हो रहा है तो हमसे संपर्क करें। कई बुजुर्ग व्यक्ति भी रहते हैं जिनके साथ कुछ जुल्म होता है या कोई परेशान होते हैं या जिनको कोई सेवा का या कहीं परेशानी होती है तो उनके लिए भी हम सहयोग करेंगे और तत्पर रहेंगे। और मैं सभी नगरवासियों से और सभी मीडिया प्रभारी से सभी से ये आग्रह करती हूँ कि कहीं कोई परेशानी में हो और कहीं सहयोग की ज़रूरत हो तो हमसे सर संपर्क करें। हमारे संगठन के द्वारा हम जो भी बनेगा हम सहयोग करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और आज इस पद पे मुझे पहले तहसील अध्यक्ष पे थी अब मुझे जिला पद में जिले में पद मिला है तो इसके लिए मैं सबसे सब पद अधिकारी का मान सम्मान करती हूँ और उन सभी का आशीर्वाद और सहयोग से यह सब प्राप्त हुआ है। और सबसे ज़्यादा मैं कुलदीप हिंदू जी जो अंतर्राष्ट्रीय मैं हिंदू संगठन के कार्यालय प्रभारी हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मेरी योग्यता को समझा और सराहा और मुझे आज जिले में पद दिया इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी सेवा इसी तरह से देती रहूँगी समाज के लिए करती रहूँगी और आप सभी का प्यार विश्वास और सहयोग आशीर्वाद बना रहे। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ सभी मीडिया प्रभारी का सभी संगठनवासियों का सभी महिलाओं का और यहाँ पधारे सभी जिला अध्यक्ष जीवन सिंह जी तंवर लक्ष्मण सिंह जी सभी पदाधिकारी जब भी महिला पदाधिकारी पधारे मीडिया प्रभारी रेखा प्रजापत उपाध्यक्ष पायन प्रजापत नेताजी और अन्य सभी पधारे आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संगठन का यही उद्देश्य है कि हम हिंदुत्व के लिए अपनी लड़ाई लड़ें और जहाँ कहीं हमारे पे जुल्म या अत्याचार हो तो उसके लिए हम आवाज़ उठा सके। जैसे कि हमारा संगठन का उद्देश्य है कि एक मोती अगर कहीं गिरता है तो उसकी कोई कदर नहीं होती है लेकिन अगर एक एक मोती करके हम एक माला बनाए तो वो माला हमारे गले में पहनने के लायक हो जाती है। तो ठीक है हमारे संगठन का भी उद्देश्य यही है कि हम एक एक एकजुट होके और एक माला बने और एक साथ आवाज़ उठाएं और हमारे हिंदुत्व के लिए हम ये नहीं सोचें कि हम इस संगठन में हम इस संगठन से
बीजेपी से किससे है। हमारे जब हिंदुत्व पे कोई बात आती है, माता बहनों कोई बात आती है, तो हम सब एक साथ होके एक सुर में आवाज मिलाए और आवाज उठाए और सहयोग करें। जय श्री राम। बड़ी कॉल बुजुर्ग में कोरोना का कहर जारी, 10 पॉजिटिव। जी हां, कप्तानगंज ब्लॉक के अंतर्गत कौड़ीकोल बुजुर्ग में मंगलवार सुबह जांच के बाद दोपहर आई रिपोर्ट में एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह कप्तानगंज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसमें पहले से एक कोरोना पॉजिटिव और बाद में 9 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिससे गाँव में पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 10 हो गई है, जिसमें से 5 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। विनोद चौधरी, सहज राम, कमला प्रसाद, अक्षय कुमार, पुष्पा, संध्या, कविता, राम विलास, विजय लक्ष्मी, पूजा शामिल हैं। देखिए कप्तानगंज से दिलीप कुमार की यह रिपोर्ट। सर नमस्ते। हमारा फिर अरे ये तो वहाँ पर भी आए थे, क्या नाम उसका, कुदराम में भी आए, बहादुरपुर आए थे। अरे भीड़ मत लगाओ यार, थोड़ा दूर हो जाओ, वो छोड़ो फॉर्म को। कार्यालयों पर नो मास्क नो एंट्री के लगवाए बैनर। जी हां, राजस्थान अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों पर नो मास्क नो एंट्री के बैनर लगवाए गए। नवगठित नगर पालिका रामगढ़ के अधिक शासी अधिकारी रामकिशोर गोयल द्वारा रामगढ़ के सभी सरकारी कार्यालयों पर लगवाए गए बैनर का पहले ही दिन दिखने लगा असर। सरकारी कार्यालयों में अंदर जाने से पहले लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर ही प्रवेश करते दिखाई दिए। तहसील कोर्ट में इसी तरह एसडीएम कार्यालय और पंचायत समिति में भी लगवाए गए बैनर का सकारात्मक असर दिखाई दिया। देखिए अलवर से जितेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। आपने जो ये बोर्ड लगवाया है नो मास्क नो एंट्री, तो इसका कितना असर दिखाई दे रहा है? देखो, कोरोना से बचाव करने के लिए जरूरी है नो मास्क नो एंट्री। राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। कोरोना से बचाव का एकमात्र साधन मास्क लगाना, नाक मुंह ढक के रहना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इसलिए इसका जागरूकता अभियान नवगठित नगर पालिका है, इसलिए इसका अभियान चलाया जा रहा है। अभी थोड़ा धीरे चल रहा है क्योंकि नवगठित नगर पालिका, कोशिश करके इसको तेजी से इस पर कार्य किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।